Welcome to my YouTube channel Maths Class. Today we are going to solve the problem of exercise 2.4 question number 4 jo hai, if two zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 130x minus 35 are 2 plus minus root mein 3 then find other zeros. यह क्वेश्चन कह रहा है अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और उसके दो जीरोस दिए हुए हैं तो हमें दूसरे दो जीरोस फाइंड करने हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, सो पूरी वीडियो को जरूर देखें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। हम सबसे पहले हम लिखेंगे given that the biquadratic polynomial is given b x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 and its two zeros b 2 plus minus root में 3. तो हम कह सकते हैं x minus 2 plus root में 3 and x minus 2 minus root में 3 be the factor of polynomial in x. So, हम gx कर सकते हैं, so gx is equal to x minus 2 plus root में 3 and x plus x minus 2 minus root में 3 implies that हम अगर इसको x minus 2 को common लें x minus 2 then दो जगह है तो square plus minus then minus root 3 का whole square implies that x square plus 4 minus 4x and minus 3 implies that x square minus 4x plus 1. Now on dividing polynomial in x by gx we गेट। तो चलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि इसको हमें कट करना है, देन हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तब x टू द पावर 4 आएगा तो ये कट जाएगा। सो हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, देन x टू द पावर 4 एंड माइनस 4 है, फिर से करेंगे तो माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। नाउ यहाँ प्लस है तो साइन चेंज होता है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। नाउ यह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस 2x क्यूब एंड यहाँ बचेगा माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। नाउ अब हम माइनस 2x क्यूब को कट करना है हमें, तो माइनस 2x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, देन माइनस 2x क्यूब एंड माइनस 8x स्क्वायर और प्लस माइनस 2x, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस। नाउ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। नाउ यह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस 35x स्क्वायर और प्लस 140x एंड माइनस 35। सो अब हम यहाँ पे माइनस 35 से डिवाइड करेंगे, देन हमारा हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। नाउ माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। नाउ तीनों कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास रिमाइंडर जीरो होगा। दस क्वेश्चन इज इक्वल टू x square minus 2x minus 35 and remainder हमारा क्या हो गया 0।
अब हम कह सकते हैं by division algorithm in polynomial in x is equal to gx into qx plus rx. So हमें पता है gx x square minus 4x plus 1 and हमारे पास जो quotient आया है वह था x square minus 2x minus 35 and remainder हमें 0 है. So implies that x square minus 4x plus 1 इसे हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें 2 zeros दिए हुए हैं. So इसे हम चलिए factorize कर लेते हैं. x square माइनस है तो माइनस से हम फैक्टर करेंगे, देन माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और यहां पे हो जाएगा x. अगर हम x कॉमन ले लें देन x माइनस 7 और अगर हम प्लस 5 यहां कॉमन ले लें तब भी क्या होगा x माइनस 7. नाउ ये हो जाएगा x square minus 4x plus 1 and यहाँ पे बचेगा हमारे पास x plus 5 and x minus 7. क्या था वो x minus 2 plus minus root में 3 और हमें इसका factor मिला है x plus 5 और x minus 7. तो चलिए हम इसका जीरोस फाइंड कर लेते हैं. आप जानते हैं कि अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो पॉलिनोमियल इन एक्स क्या वो भी जीरो होता है. सो टू गेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू जीरो. सो इफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 एंड इफ x minus 7 is equal to 0, then x is equal to 7. So, two other zeros of biquadratic polynomial is minus 5 and 7. So, friends, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.